मुंबई ऐसा शहर जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को जिंदगी संवारने का मौका जरूर मिलता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेडी पटरी वाले, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। रास्तों पर ठेले लगाकर सामान सब्जी बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। लेकिन साल 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना की महामारी फैल गई और इसका सीधा असर इन फेरी वाले भाइयों पर भी पड़ा। महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। ऐसे में फेरी वालों का गुजारा होना मुश्किल बन गया। तब ऐसे लोगों की सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार बिना गारंटी 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और अगर समय पर यह कर्ज चुका दिया गया तो अगली बार 20,000 और उसके बाद 50,000 तक का कर्ज मिल सकता है। देश के अग्रगण्य बैंकों के सहकार्य से ये कर्ज दिया जाता है। इस योजना को महाराष्ट्र में बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी शुरू किया गया था। शुरुआती कुछ वजह से ये योजना धीमी थी, लेकिन समस्याओं का समाधान बृहन मुंबई महानगर पालिका ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में ढूंढ ही लिया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस योजना को सहज करने के लिए कदम उठाए गए। दो अलग फॉर्म्स की जगह सिर्फ एक फॉर्म बनाया गया जो भरना आसान था। इस आसान प्रक्रिया के कारण मात्र एक माह के भीतर 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सिर्फ 2 महीने की अवधि में मुंबई में 2,310 सेमिनार किए गए, जिसके परिणाम वश जरूरतमंद लोगों के लाखों आवेदन प्राप्त हुए। आज के इस शुभ अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस योजना की कुल 100 करोड़ की राशि में से शुरुआती 1 लाख पात्र लोगों के खाते में स्वनिधि प्रदान की जा रही है।